So today we will learn about some definitions regarding beam. So before going to the design section, we need to know that definitions. Okay. So पहले जो confuse होता है depth के बारे में देख लेते हैं. तो beam का overall depth and effective depth पहला ये क्या है. उसके बाद हम लोग cover के बारे में देखेंगे. Effective depth. Now, एक क्या है? इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एनालाइज कर रहे थे. तो एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो लेट्स से वी हैव ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम. सपोर्ट भी दे दो. देयर आर टू सपोर्ट्स. There are two supports. And singly reinforced beam, that means हम लोगों का नीचे जो जो भी reinforcement आएगा we need to place at the bottom side. और इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जहां पे टेंसाइल आ रहा है. जैसे कि ये सिंपल सपोर्टेड बीम लिया तो नीचे देंगे, कैंटिलीवर बीम दिया तो ऊपर देंगे, क्योंकि कैंटिलीवर बीम जब डिफ्लेक्ट करेगा तो टेंशन ऊपर की फेस में आएगा. तो यहाँ पे नीचे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है. इधर द मेन रेनफोर्समेंट्स और ऊपर भी हैंगर बार्स दिया हुआ है. इधर द हैंगर बार्स. उसके बाद क्या है, इसमें स्टिरअप्स लगा हुआ है. सो ये जो बार्स है ये ऐसे करके टर्न रहता है. क्यों रहता है मैं बताऊंगा और कितना रहता है वो भी बताऊंगा. फिलहाल के लिए देखो उसके साथ साथ क्या रहता है, इसमें स्टिरअप्स रहता है. स्टिरअप्स से कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं ना, मिस्त्री लोग रिंग बोलते हैं. बट फॉर दिस बीम के लिए इसको हम लोग स्टिरअप बोलते हैं. सो एक बीम सेक्शन हम लोगों ने लिया. तो ये है हमारा स्टिरअप. सो स्टिरअप्स का काम क्या है, स्टिरअप्स का काम क्या है, क्यों दिया जाता है बीम में, उसका कारण यही है. जैसे सपोज यही एक बीम लिया मैंने. ओके, हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया. नाउ उसके ऊपर एक यूडीएल आ रहा है. ऑब्वियसली अगर जब हम लोग बीम डिजाइन करेंगे तो उसके ऊपर जितना भी लोड आएगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हिसाब से कंसिडर करेंगे. जैसे उसका सेल्फ वेट, उसका लाइव लोड. अभी बोलो कि ऐसे मान लो कि ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आ रहा है एंड दिस वन इज लेंथ. अभी बोलो कि ये इसमें जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, जो शेयर फोर्स आएगा वो कैसा दिखेगा. शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे इस साइड से दिखेगा, फिर इस साइड से ऐसे जाएगा. और यहाँ पे जो शेयर फोर्स का वैल्यू है यहाँ पे कितना मिलेगा, WOL अपॉन 2. इस साइड पे भी WOL अपॉन 2, बट सेंटर पे जीरो होगा. नाउ अगर हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखेगा, हम लोग अगर नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो हम लोग क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मानते हैं. सो वी विल ड्रॉ अपवर्ड साइड, ऐसा दिखेगा पॉजिटिव. तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मिड पॉइंट पे होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. अभी देखो ध्यान से देखो कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, आई गेट दैट. अभी ध्यान से देखो कि जब मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, दैट बेंडिंग मोमेंट, ए बेंडिंग मोमेंट का और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो जब बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सबसे ज्यादा मोमेंट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एट द सेंटर. तो इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए ये जो बार, दीज आर द मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है टू रेजिस्ट द बेंडिंग. ओके, और ये भी बोल सकते हैं इन डिटेल के बेंडिंग के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है उस स्ट्रेसेस को ए रेजिस्ट कर रहा है, मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट. और कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, सेंटर पे. तो मिड पॉइंट पे ऑब्वियसली जो मेन रेनफोर्समेंट होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, 100% मेन रेनफोर्समेंट हुआ पे. बट साइड पे देखो सपोर्ट पे बहुत ही कम. इसीलिए क्या होता है कभी कभी ये जो बार, नीचे वाला बार है, ऑल्टरनेटिवली सपोर्ट की कुछ दूर से काट दिया जाता है. कितना दूर पे काट दिया जाता है वो हम लोग जब बीम का डिटेलिंग करेंगे डिजाइन के बाद वो देखेंगे कितना दूर पे कौन सा टाइप के बीम के लिए काट दिया जाता है.
क्यों काट दिया जाता है पता है? क्योंकि सपोर्ट पे तुम्हारा मोमेंट ही नहीं आ रहा है तो क्यों देंगे। दूसरी बात, जब हम लोग लोड अप्लाई किया तब मोमेंट आया, दूसरा शियर फोर्स आएगा। अभी देखो शियर फोर्स कहाँ पे सबसे ज्यादा है, सपोर्ट पे सबसे ज्यादा शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स को कैरी करता है ये तुम्हारा स्टीरअप्स। ओके, स्टीरअप्स बीम में शियर फोर्स को कैरी करता है। तो स्टीरअप्स का जो स्पेसिंग है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा स्टीरअप्स हमें कहाँ चाहिए, सबसे ज्यादा स्टीरअप्स हमें कहाँ चाहिए होगा सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के आसपास हमें सबसे ज्यादा स्टीरअप्स चाहिए होगा। और बीच में क्या हो रहा है हमारा शियर फोर्स जीरो, नॉमिनल स्टीयर, नॉमिनल हम लोग दे सकते हैं। इसी तक कारण, अभी वो कारण में बाद में आएंगे, अभी हम लोग बेसिक चीज देखते हैं। तो क्लियर हुआ कि स्टीरअप्स क्या लेता है और स्टीरअप क्यों देता है? तो स्टीरअप्स क्यों दिया जाता है? टू रेजिस्ट द वर्टिकल शियर फोर्सेस पहला, दूसरा है टू होल्ड द बार्स जो भी बार्स है, और ऊपर है ये हैंगर बार, ऊपर जो ये दिया जाता है इसको हैंगर बार बोलते हैं। तो हैंगर बार्स इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है सिंगल रेनफोर्समेंट में। दूसरा, ये हैंगर बार कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंप्रेशन को भी कैरी करता है। सो ये हुआ। अभी हम लोग बीम के सेक्शन को देखेंगे। ओके, तो इसे हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। नाउ हमें जो चाहिए अभी इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव कवर और कवर के बारे में। तो से हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन काट लिए, ऐसे करके एक सेक्शन को काट लिया, और सेक्शन को अलग कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? मेरा एक बीम दिखेगा, बीम के अंदर तुम्हारा दिखेगा स्टीरअप्स, राइट? स्टीरअप्स, और उसके बाद क्या दिखेगा? द मेन रिइंफोर्समेंट ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिया हुआ होगा और ऊपर भी दिया हुआ होगा। से नॉमिनल प्रोवाइड किया, दो प्रोवाइड कर दो दो साइड में। और ये जो स्टीरअप्स होता है इसका एंड आइदर 90 डिग्री पे टर्न होता है या फिर 135 डिग्री पे टर्न होता है। नॉर्मली 95 डिग्री, 135 डिग्री क्यों? जब हम लोग डक्टाइल डिजाइन करेंगे तब, इसके बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये देखो, ये मेरा ये जो बीम सेक्शन को काटा वो ऐसा दिखेगा। ये सुन लो, बीम सेक्शन विल लुक लाइक दिस। तो नीचे वाला मेरा मेन रेनफोर्समेंट, ऊपर वाला हैंगर बार। सो बीम का भी डायमेंशन दे दो। सो ये इसका विड्थ है बीम का। नाउ ओवरऑल डेप्थ, पहला जो हम लोगों को चाहिए ओवरऑल डेप्थ, दिस वन इज। सो ओवरऑल डेप्थ क्या है? ओवरऑल डेप्थ अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू दिस इज द डिस्टेंस, this is the distance from the extreme compression fiber from the top of the beam to the bottom of the beam. That one is your overall depth. Okay, so overall depth में कुछ नहीं है कि जितना उसका डेप्थ है वही उसका ओवरऑल डेप्थ है। टॉप पोर्शन से लेके बॉटम पोर्शन तक जितना भी मुझे डेप्थ मिलेगा दैट वन इज द ओवरऑल डेप्थ। तो इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेप्थ? अभी हम लोगों को चाहिए होगा कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा। सो इफेक्टिव डेप्थ, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव डेप्थ का अगर डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। सो ये मेन रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, और मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो भी बोलो। So, यहां तक जो डिस्टेंस होगा, सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, दैट इज योर इफेक्टिव डेप्थ डी। सो इफेक्टिव डेप्थ डी का डेफिनेशन क्या लिखेगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द
टॉप कंप्रेशन फाइबर, और यहाँ पे तुम लोग एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर भी लिख सकते हो, क्योंकि कंप्रेशन कहाँ पे होगा, अगर इस बीम में ऊपर से लोड आएगा तो वो बीम ऐसे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर तुम्हारा एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर होगा, फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर फाइबर टू द सेंटर ऑफ ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सो इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ के बारे में जाना, राइट? नाउ अभी ये जो पोर्शन नीचे की तरफ बाकी रहेगा इसको क्या बोलेंगे, अभी बताओ कि इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ क्लियर हुआ? अभी हम लोग कवर के बारे में जानेंगे, कवर कवर क्या है क्या नहीं है, इफेक्टिव कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, डेप्थ के बारे में क्लियर हुआ, डेप्थ क्या है क्या नहीं है, ये सुन लो। सो अभी हम लोग कवर के बारे में देखेंगे, तो इसको इरेज करते टेबल लिख लो। लिख रहे हैं, लिख लेते हैं सर, एक मिनट लिख लो। हो गया, चलो अभी कवर के बारे में जानते हैं, कवर क्या है। सो इस चीजों को मिटा देते हैं, हमें सेक्शन चाहिए होगा समझने के लिए। कवर, कंक्रीट कवर, पहले समझते हैं कंक्रीट कवर है क्या। सो किसी भी आरसीसी सेक्शन में जब हम लोग रीएनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं, रीएनफोर्समेंट को जब देते हैं, तब उसको एक सर्टेन डेप्थ पे या फिर सर्टेन डिस्टेंस पे आउटर फेस से, जो कंक्रीट का एक्सपोज आउटर फेस है, जो कंक्रीट का एक्सपोज आउटर फेस है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे इसको एम्बेडेड किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं कवर। ओके, तो कवर क्यों जरूरी है, कवर क्या है फिर, कि जब हम लोग कोई आरसीसी सेक्शन में रीएनफोर्समेंट को प्लेस करेंगे, तब वो रीएनफोर्समेंट को कंक्रीट का जो एक्सपोज सरफेस है, देखो यहाँ पे चारों ओर एक्सपोज सरफेस मिलता है, तो एक्सपोज सरफेस से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हमें उन बार्स को प्लेस करते हैं, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग कवर, इन जनरल कवर। कवर में अभी देखेंगे क्या क्या कवर है। सो कवर क्यों दिया जाता है, व्हाई कवर इज नेसेसरी। तो कवर समझा कि क्या है, कि रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन में हम लोग स्टील को एक सर्टेन डिस्टेंस पे आउटर फेस जो होता है, एक्सपोज सरफेस होता है, उधर से सर्टेन डेप्थ पे उसे प्लेस किया जाता है या डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है कवर बेसिकली। अभी हम लोग एक एक करके टर्मोलॉजी में आएंगे। नाउ एक कवर जरूरी क्यों है, व्हाई दिस कवर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द कवर, कंक्रीट कवर is required, क्यों जरूरी है। पहले कि अगर पहला केस कि मेरा reinforcement को क्या करना है, कि बाहर का जो exposure condition है, exposure condition से reinforcement को बचाना है, तो बाहर exposure condition steel के लिए क्या क्या exposure condition इसे affect कर सकता है। पहला कि अगर पानी percolate करके अंदर चला गया तो उसमें corrosion हो सकता है, right? Rust आ सकता है उसके अंदर। तो एक कारण क्या होगा कि टू प्रोवाइड सफिशियंट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, राइट? तो पहला हो गया टू प्रोवाइड सफिशियंट प्रोटेक्शन
सफिशियंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द रिइंफोर्समेंट फ्रॉम द कोरोजन. नाउ ये बहुत जरूरी है. अगर मान लो कि स्टील में कोरोशन मतलब स्टील में रास्ट लग गया, स्टील गेट करोटेड, तो क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट छूट जाएगा, तो मेरा जो स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी था वो बिगड़ जाएगा. तो क्या होगा, कॉन्क्रीट को ही तब जाके टेंशन को लेना पड़ेगा और दैट लीड्स टू ए कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर. नाउ दूसरा कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट से अगर रोक रहे तो फायर भी आ सकता है, फायर के कारण ये जो मेरा स्टील है एलोंगेट कर सकता है. सो तब भी जाके मेरा जो स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी होगा द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट वो छूट जाएगा. तो दूसरा क्या है कि फायर के अगेंस्ट में भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए. सो टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर. ना तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्टील को कंक्रीट के अंदर कुछ सर्टेन डेप्थ तक एम्बेडेड करना ही होगा, कुछ सर्टेन डेप्थ तक उसे घुसाना ही होगा. क्यों, क्योंकि तब जाके हमें कंक्रीट और स्टील के बीच में से, यहाँ पे अगर देख लेंगे कि एक मेरा कंक्रीट सेक्शन है, इसके अंदर स्टील घुसा हुआ है. ओके, तो स्टील को हमें एक सर्टेन डेप्थ तक इसे रखना होगा ताकि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो बॉन्ड स्ट्रेस है, ये बॉन्ड स्ट्रेस और डेवलपमेंट लेंथ हम लोग पढ़ेंगे क्लियरली. जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस चाहिए कि कंक्रीट और स्टील के बीच में स्ट्रेस डेवलप हो, वो स्ट्रेस डेवलप हो पाए. ओके, कि जो सफिशियंट डेप्थ हमें चाहिए वो सफिशियंट डेप्थ हमें मिल सके. सो ये भी जो कवर है वो इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है. ओके, तो टू यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, टू प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ, सफिशियंट एम्बेडेड डेप्थ भी लिख सकते हो, सो दैट क्या होगा, रेनफोर्समेंट में जो हमें स्ट्रेस चाहिए वो डेवलप हो सके. सो दैट द एडिक्वेट एडिक्वेट स्ट्रेसेस कैन डेवलप इन द स्टील इन द रीएनफोर्समेंट भी लिख सकते हो. स्टील मेरा मेन कारण है टू प्रोवाइड द कंक्रीट कवर. ओके, तीन कारण के लिए हमें कंक्रीट कवर देना होना आते हैं कि कवर को कैसे कैटेगोराइज कर लिया जाएगा, कैसे हम लोग कवर को कैटेगोराइज कर सकते हैं. ओके, और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, मतलब क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर क्या है, अभी ये सारा चीज देखेंगे. सो ये क्लियर हुआ. नाउ हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कवर को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से, सेकंड वाला एक बार बताइए, सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर. अगर तुम्हारे बिल्डिंग में आग लग गया और तुमने कवर सही से प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा, ये जो रेनफोर्समेंट है उसमें एलोंगेशन आ जाएगा. अब रेनफोर्समेंट में जितना एलोंगेशन आएगा कंक्रीट में उतना तब जाके एलोंगेशन नहीं आएगा, तब क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट छूट जाएगा. तो इसीलिए टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, और तीसरा पॉइंट टू प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ सो दैट इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस है सफिशियंट स्ट्रेस वो डेवलप कर सके. नाउ अभी देखते हैं कि हम लोगों के पास दो काइंड ऑफ कवर्स मिलता है, दो काइंड ऑफ कवर्स मिलेगा. पहला कवर से हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर, दूसरा है इफेक्टिव कवर. पहला का नाम दो क्लियर कवर, क्लियर कवर, एंड दूसरा हमें मिलेगा इफेक्टिव कवर. तो क्लियर कवर क्या है,
क्लियर कवर है कि कंक्रीट का जो एक्सपोज फेस है, कंक्रीट का कोई भी एक्सपोज फेस, देखो इस साइड में भी एक एक्सपोज फेस मिल रहा है, इस साइड में भी एक एक्सपोज फेस मिल रहा है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, तो द फेस ऑफ द मेंबर, और बोल सकते हो द एक्सपोज फेस ऑफ द मेंबर। तो क्लियर कवर किसको बोलेंगे कि ये जो फेस है, कोई भी कंक्रीट का फेस ले लो, फ्रॉम दैट फेस टू द लास्ट, टू द आउटर मोस्ट फेस और लास्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है, this is called your clear cover. Clear cover. Clear cover क्या है? It is the distance. It is the distance. पहले इसका definition लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार explain करेंगे. So it is the distance from the distance from the exposed concrete face. Concrete face nearest outermost face face of the reinforcement including including links and stirrups. Links क्या है जो कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है, रिंग, उसी को लिंक्स बोलते हैं, बट उसका काम कुछ और है, उसका काम बाद में पढ़ेंगे। उसका काम है जो लैटरल मूवमेंट होगा उसे रोकना, कॉन्फाइन करना, सेक्शन को होल्ड करके रखना, बहुत सारा कारण है। जब हम लोग कॉलम पढ़ेंगे लिंक्स के बारे में देखेंगे, पहले इसमें फोकस करो कि क्लियर कवर है क्या। क्या बोला? It is the distance from the exposed concrete face to the outermost face of the reinforcement, including the stirrup and links. So, क्या है? ये तुम्हारा outermost face है, मतलब इसका exposed face है concrete का, यहां से लेके ये जो link मैंने दिया है, यहाँ पे stirrup होगा, stirrup के नीचे तक जो distance है, this one is your clear cover. ठीक, clear cover क्या है? From the face, एक कभी किधर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी clear cover हो सकता है, ये ऊपर exposed face to the outermost surface of the reinforcement, including links and stirrups. So ये होगा, इस side से भी हो सकता है clear cover. So चारों ओर से ही clear cover हो सकता है. So clear cover क्या है, समझ में आया? Yes or no? Okay. अभी effective cover जब देखेंगे तब वो और clear हो जाएगा. So दूसरा दो, effective cover. effective cover. अच्छा, effective cover आने से पहले ना clear cover का concept को और थोड़ा clear करते हैं। से मान लो कि हम लोगों को जो ये जो beam section दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा से effective depth दिया हुआ है, से effective depth 400 mm है, effective depth दिया हुआ है, okay. यहाँ पे जो reinforcement, main reinforcement है, वो main reinforcement का dia दिया हुआ है, से main reinforcement का डाया जो है से 20 mm, और stirrup का जो डाया है, stirrups का डाया से 10 mm दिया हुआ है, और दिया हुआ है तुम्हारा जो clear cover है, से clear cover भी दिया हुआ है 20 mm. clear 20 mm दिया हुआ है। अभी अगर बोले कि फाइंड आउट द ओवरऑल डेप्थ, फाइंड आउट द ओवरऑल डेप्थ कितना होगा, तो उससे पहले ओवरऑल डेप्थ निकालने से पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल डेप्थ और इसके साथ रिलेशन क्या क्या होगा। तो हम लोग ओवरऑल डेप्थ डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो? पहले हमें पूरा डेप्थ चाहिए, तो पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ प्लस, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ के बाद क्या रहेगा, हाफ ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट रहेगा 5/2 प्लस, और क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ द स्टिरअप, सो डाया ऑफ स्टिरअप प्लस क्या रहेगा, क्लियर कवर प्लस क्लियर कवर। सो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल डेप्थ कितना मिलेगा,
ओवरऑल डेप्थ होगा, स्मॉल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ है 400 mm, प्लस मेन रेनफोर्समेंट 20 mm का है तो 20/2 प्लस 10 mm का लिंक्स दिया हुआ है, 10 प्लस 20 mm का कवर दिया हुआ है तो 10 प्लस 30 प्लस 10 40 सो दैट कम्स एज 440 mm. ठीक है, क्लियर है, क्लियर कवर क्या है, क्लियर हुआ। अभी और एक काम आता है क्लियर कवर के साथ ही, उसको बोला जाता है नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर ये क्या है, ये कुछ अलग नहीं है जो क्लियर कवर है। पहले कोड उसको क्लियर कवर बोलता था, अभी उसे नॉमिनल कवर बोलता है, दो चीज एक ही है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपोज कॉन्क्रीट फेस टू द आउटर मेस आउटर मोस्ट फेस ऑफ द रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स एंड स्टिरअप्स, सेम चीज। अभी जो अलग है उसे समझना होगा, दैट वन इज योर इफेक्टिव डेप्थ और उसके साथ जो रिलेटेड होता है इफेक्टिव कवर। तो अभी देखते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर क्या है। इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर के लिए we need that section again, so let's drop quickly. APM section tha, that one effective depth. So effective cover kya hai, effective cover hai, this is the distance from the bahar se bhi bol sakte ho, this is the distance from the face of the member or exposed face of the member to the center of the main reinforcement, to the center of the main reinforcement. Matlab ye bahar wala face se leke center of the main reinforcement tak jitna bhi distance hoga, that one is your effective cover. सेंटर तक, सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ए इसका सेंटर है ऊपर से लेके यहाँ तक। तो अभी ये सिंगल रेनफोर्स कर रहे हैं तो बेसिकली नीचे की तरफ ही हम लोग देखेंगे मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक। क्या है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपोज फेस ऑफ द कॉन्क्रीट और फेस ऑफ द मेंबर टू द सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस, लिख लो, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, फेस ऑफ द मेंबर और एक्सपोज फेस ऑफ द of the concrete to the कहां तक जाएंगे हम लोग, to the center of the main reinforcement, that one is your effective cover. सो क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर के बीच में अगर हम लोग रिलेशन ढूंढना चाहेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लियर कवर, सीसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, क्लियर कवर प्लस, क्लियर कवर के साथ क्या क्या जोड़ना होगा, डाया ऑफ स्टिरअप, डाया ऑफ स्टिरअप प्लस हाफ डाया ऑफ मेन रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव कवर एंड द क्लियर कवर। सो ये क्या है, दैट फाइव इज द डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, सो
इफेक्टिव कवर समझा क्या है, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर क्या है क्या नहीं है, समझे? ओके नाउ अगर हम लोग बोलेंगे ओके से डेप्थ के साथ भी निकाल लेते, सो ओवरऑल डेप्थ डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, ये ओवरऑल डेप्थ, ये जो मेरा टोटल डेप्थ होगा यहां से लेके यहां तक, दैट शुड बी इक्वल्स टू द इफेक्टिव डेप्थ एंड द इफेक्टिव कवर, क्लियर? सो प्रॉब्लम में ऐसे दिया हो सकता है कि डिफरेंट, जैसे कि ओवरऑल डेप्थ दे दिया उसके साथ इफेक्टिव कवर दे दिया, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव डेप्थ फर्स्ट, देन यू कैन एनालाइज द सेक्शन। इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर एक क्या है क्या नहीं है समझ में आया? अभी अकॉर्डिंग टू कोड क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, क्लियर हुआ? अच्छा अभी अगर यहाँ पे दो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे अगर दो लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट रहा तब हम लोग इफेक्टिव कवर को कैसे निकालेंगे? सो क्विकली दो लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए भी देख लेते हैं कहाँ तक होगा, जस्ट डेफिनेशन याद रखो, मान लो यहाँ पे दो लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे डबल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट और नीचे यहाँ भी एक डबल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस वही सेंटर तक, यहाँ पे इसका सेंटर मिलेगा तो ए मिल जाएगा तुम्हारा, ए मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ और ए मिल जाएगा तुम्हारा इफ कवर। सो ये हो जाएगा, से इफेक्टिव कवर को हम लोग डी डैश से दिखते हैं और इफेक्टिव डेप्थ डी। सो इस केस में हम लोग अगर निकालना चाहे, कोई भी निकालना चाहे जो इफेक्टिव कवर क्लियर कवर के साथ कितना होगा, तो कितना लिख सकते हैं कि डी डैश इक्वल्स टू से क्लियर कवर कहाँ तक होगा, यहाँ तक लास्ट तक होगा इसका क्लियर कवर, दैट वन इज योर क्लियर कवर। क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू क्लियर कवर प्लस क्या मिलेगा हमें, टाया ऑफ स्टीरअप प्लस टाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, नीचे वाला रेनफोर्समेंट पूरा, टाया ऑफ मेन, अगर दो रेनफोर्समेंट का डाया सेम है, अगर अलग होगा तो देखना होगा कि नीचे वाला लेयर में कितना डाया का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट प्लस, और क्या चाहिए, हाफ ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन देम, स्पेसिंग बिटवीन देम। सो ए अगर स्पेसिंग इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अगर एस है तो एस बाई टू, सो अगर डबल लेयर हो तो उसके लिए भी हम लोग डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ को निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ कवर, इफेक्टिव कवर, ये सारा चीज हम लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा डेप्थ हुआ, अभी लेंथ चाहिए, लेंथ, लेंथ में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्लियर स्पैन कौन सा है, इफेक्टिव स्पैन कौन सा है, तो ये सारा चीज, तो ये चीज हम लोग लिख लो। अगर हम लोग लेंथ भी देखेंगे, सर लास्ट में क्या लिखे थे सर, नहीं लिख पाया उसको, स्पेसिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा, यहाँ तक हमें सेंटर तक जाना है। इफेक्टिव कवर क्या बोल रहा है, इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉन्क्रीट और फेस ऑफ द मेंबर टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट और मेन रेनफोर्समेंट। देखो सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पे कहाँ पे होगा, दो लेयर ऑफ बार दिया हुआ है तो बीच में होगा। सो हाफ ऑफ स्पेसिंग बिटवीन देम, स्पेसिंग बिटवीन देम मतलब स्पेसिंग बिटवीन द मेन रेनफोर्समेंट, बिटवीन देम मतलब मेन रेनफोर्समेंट। अच्छा ये स्पेसिंग कितना देना चाहिए, कोड क्या बोल रहा है, जब हम लोग डिजाइन करेंगे सब कुछ सीखेंगे, ये सारा कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी प्रोवाइडेड कि कितना लेना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, बार के हिसाब से, कवर के हिसाब से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। तो अभी लेंथ, क्विकली लेंथ के बारे में देख लेते हैं, एक है तुम्हारा क्लियर स्पैन, दूसरा है इफेक्टिव स्पैन। क्लियर स्पैन किसको बोलेंगे और इफेक्टिव स्पैन किसको बोलेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। सो क्लियर स्पैन है तुम्हारा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इनसाइड फेस ऑफ द सपोर्ट, इसे बोलते हैं क्लियर स्पैन।
it is the distance between the inner face of the support of a beam is called the shear span. Now, effective span kya hai? Support ke center tak. It is the distance between the center of the supports. ये है तुम्हारा इफेक्टिव इफेक्टिव नाउ टोटल स्पैन ओवरऑल स्पैन क्या है एकदम लास्ट से लेके लास्ट तक ठीक क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन क्या है क्लियर स्पैन इट इज द डिस्टेंस ये देखो मेरा बीम के दो सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है तो इनर फेस ऑफ द सपोर्ट्स जो डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द सपोर्ट्स जो डिस्टेंस मिलता है उसे हम लोग क्लियर स्पैन बोलते हैं और सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स में जो हमें डिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट टू द सेंटर ऑफ द सपोर्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स आर कॉल्ड द इफेक्टिव स्पैन सो क्लियर स्पैन इफेक्टिव स्पैन उसके साथ क्लियर कवर इफेक्टिव कवर ये सारा चीज क्लियर हुआ हुआ कि नहीं हुआ यस सर इफेक्टिव कवर कैसे निकाला जाता है और उसके साथ इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ का क्या रिलेशन है नाउ कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम में क्या दे सकता है से एक बीम का देयर आर द रेनफोर्समेंट्स किसी किसी बीम में बोल सकता है कि से ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है से ओवरऑल डेप्थ इज 400 mm and only the dia of main reinforcement dia of main reinforcement is provided say dia of main reinforcement phi diya hua hai aur uske sath clear cover bhi mention hai cover say for example let's have a beam whose overall depth is 400 mm clear cover is say 20 mm and dia of main reinforcement say 20 mm that only provide the dia of stirrup and stirrup thing is not mentioned in this question then what will you do if they said to find out the effective depth then effective depth will become overall depth minus clear cover minus phi by 2 that is the dia of the main reinforcement which is provided here so for this case that will become 400 minus clear cover 20 minus 20 by 2 that comes as 370 mm. So why क्यों नहीं रहता है ये सारा चीज तो कभी कभी डिजाइन के टाइम पे या फिर कोई कोई प्रॉब्लम में स्टिरअप का डाया को ओवरलुक कर देता है क्यों क्योंकि स्टिरअप जो हम लोग यहाँ पे स्टिरअप यूज करते हैं वो जनरली 8 to 10 mm होता है और जब डिजाइन करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग जो टेप निकालते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं तो दैट्स वाई वाइल डिजाइन या फिर कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में प्रोवाइड नहीं हो सकता है नहीं दिया हो सकता है then for that cases you need to find out the effective depth like this so for this case where the dia of stirrup is not provided for this case your effective depth will be equals to kya ban jayega effective depth equals to ya fir effective cover directly effective cover likh lete effective depth to hum log dekhe abhi so effective cover ke bare mein dekh lete कि इफेक्टिव कवर क्या होगा सो इफेक्टिव कवर विल बी इक्वल्स टू योर क्लियर कवर प्लस फाइव बाई सो फॉर दिस केस फॉर द न्यूमेरिकल्स वेयर द डाया ऑफ स्टिरअप्स आर नॉट मेंशन फॉर दिस केसेस यू नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कवर लाइक दिस एंड इफेक्टिव डेप्थ लाइक दिस यू जस्ट नीड टू neglect the dia of stirrups.